हेलो गाइस, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं एके टेक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन को टेस्ट कर सकते हैं कि उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साउंड, डिस्प्ले सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। काफ़ी बार हम कोई सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं या हमारा दोस्त कोई सेकेंड हैंड मोबाइल लेता है और हम श्योर नहीं होते कि उस फ़ोन में या मोबाइल में कि हर फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस केस में एक ऐप है, बहुत ही अच्छी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है testM, जो कि बेसिकली एक टेस्टर ऐप है जिससे कि आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, साउंड सिस्टम, स्पीकर्स, कैमरा, फ्लैश, यानी कि बेसिकली पूरे फ़ोन का आप सिस्टम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन का एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं उस ऐप से, जो कि आपको बताएगा कि आपका फ़ोन मतलब कि कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों सिर्फ सेकेंड हैंड यूज़र्स के लिए, आप न्यू मोबाइल यूज़र्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि आपका फ़ोन बराबर से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए, हम अपने ऐप को ओपन कर सकते हैं। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी अच्छी ऐप है और कोई क्रैप नहीं है बिल्कुल भी, एकदम अच्छी ऐप है। तो आप इसे सेफली और श्योरली डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप से आपके फ़ोन के लिए रिपेयर शॉप्स भी ढूंढ सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगी अगर आपका फ़ोन डैमेज है या काम नहीं कर रहा सही से तो उसे रिपेयर करने में। तो दोस्तों, आप यहाँ पर फुल टेस्ट या क्विक टेस्ट, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्क्रीन टेस्ट, साउंड टेस्ट, मोशन टेस्ट, कनेक्टिविटी टेस्ट, हार्डवेयर टेस्ट, कैमरा टेस्ट और भी क्विक टेस्ट और फुल टेस्ट है, जो कि आपके पूरे फ़ोन को एक साथ ही टेस्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर टेस्ट पे क्लिक करना होता है और आपको वो ऐप करने के लिए कुछ चीज़ बोलेगा, जैसे कि जो भी चीज़ वो करने बोलेगा, अगर आपने सही से किया और आपका फ़ोन ने सही से रिस्पॉन्ड किया तो उसके हिसाब से वो बताएगा कि आपका फ़ोन सही काम कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक कोई भी टेस्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर एक है हार्डवेयर टेस्ट है जिसमें अपना हार्डवेयर टेस्ट होएगा, तो हम चलिए यही टेस्ट ले लेते हैं कि हम हार्डवेयर टेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आप स्पीड टेस्ट, बैटरी टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट और भी ये कुछ और टेस्ट है जो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना हार्डवेयर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा और एक डेमो सा ले लीजिए आप इससे। तो आप इसको चेक ग्रुप पे करिए और यहाँ पर पहले लाइट सेंसर टेस्ट, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और जो कि जैसा ही वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा वैसे आपको करना है। और चार्जर, तो फिलहाल हम चार्जर नहीं कर सकते तो स्किप कर दें। और फिर हार्डवेयर बटन्स, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप अपने साइड में जो ये बटन के दबाने को कहेगा दबाइए। तो यहाँ ये कह रहा है कि वॉल्यूम अप, फिर पावर बटन, तो आप जो कह रहा है ये दबाइए, उसके हिसाब से आपको बताएगा कि आपका फ़ोन ये बटन्स काम। तो यहाँ पर गुड जॉब, यानी कि बटन्स हमारे सही से काम कर रहे हैं। और फिर वाइब्रेशन, तो देखते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करिए और ये कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि ये स्टार्ट करना। अच्छा, तो यहाँ पर हमें जितने बार अपना फ़ोन वाइब्रेट होता है वो काउंट करना है और फिर इसके बाद ये पूछेगा कि कितने। तो यहाँ पर हमें 2 पे टाइप करना है, यानी हमारा फ़ोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। नेक्स्ट टेस्ट, तो यहाँ पर है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, तो ये भी टेस्ट हम जल्दी से क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे हमारे लिए ये ऐप और क्या ऑफ़र करता है। तो नेक्स्ट टेस्ट, फिर फिंगरप्रिंट टेस्ट और ऐसी आपको बहुत सारे टेस्ट है जो कि आपके काफ़ी मदद करेंगे अगर आप अनश्योर है कि आपका फ़ोन नहीं सही से वर्क कर रहा है। तो उसके बाद आप इससे रिपोर्ट भी अपनी तैयार करवा सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन कितना परसेंट ठीक है या फिर कितना परसेंट डैमेज है, ये आपको उसमें बता देगा। तो चलिए इसे पहले होने देते हैं। दोस्तों, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप क्रिएट माई टेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करके अपना टेस्ट रिपोर्ट जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपका जो भी फ़ोन है वो आपको बता देगा और नीचे आपको टेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप जो भी टेस्ट लेंगे उसके आपको रिजल्ट्स यानी कि देखने को मिल जाएंगे कि आपका फ़ोन ने कैसा परफॉर्म किया है। तो हमने स्क्रीन टेस्ट लिया नहीं, साउंड टेस्ट भी नहीं लिया, मोशन टेस्ट भी नहीं, हमने जो टेस्ट लिया था वो था हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में हमें 83% हेल्थ मिला, यानी कि हमने जो चार्जर वाला स्किप किया था उसे इसने माना है कि वो चार्जर हमारा नहीं वर्क कर रहा है, तो इसलिए 83% है। तो ऐसे ही आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और समझिए, अगर आपका चार्जर वर्क नहीं कर रहा है तो फाइंड अ रिपेयर शॉप पे क्लिक करके आप उसके लिए परफेक्ट रिपेयर शॉप ढूंढ सकते हैं अपने लोकेलिटी में। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऐप है
जिसकी मदद से आप अपने वो पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो सेकंड हैंड मोबाइल लेते हैं अक्सर, और बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल नहीं जाना और घंटे को दबा देना, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आप बिल्कुल ना मिस करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पे दबा देना, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो। टिल देन कीप स्क्रॉलिंग योर डिवाइस।